नमस्कार, मैं अनु शर्मा आपका अपने YouTube चैनल पर स्वागत करता हूँ। आज हम जाने वाले हैं मार्कंडेय महादेव। आखिर भगवान भोलेनाथ ने मार्कंडेय ऋषि को वह कौन सा मंत्र दिया जिससे कारण वह अमर हो गए, जानने के लिए पूरा वीडियो जरूर देखें। यह मंदिर बनारस से करीब 30 किलोमीटर दूर गंगा गोमती तट संगम के तट पर है। मार्कंडेय महादेव मंदिर शिव भक्तों के लिए बहुत खास माना जाता है। यहाँ सावन में शिव भक्तों का तांता लगा रहता है। यह मंदिर वाराणसी गाजीपुर मार्ग पर कैथी गांव के पास है। यहाँ सावन माह में एक माह का मेला लगता है। मार्कंडेय महादेव मंदिर उत्तर प्रदेश के धार्मिक स्थलों में से एक है। विभिन्न प्रकार के परेशानियों से ग्रसित लोग अपनी दुखों को दूर करने के लिए यहाँ आते हैं। श्री मार्कंडेश्वर महादेव मंदिर यह पूर्वांचल के प्रमुख देवालयों में से एक है। द्वादश ज्योतिर्लिंगों के समकक्ष वाले इस धाम की चर्चा श्री मार्कंडेय पुराण में भी की गई है। आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, भौगोलिक, शैक्षिक, ऐतिहासिक और पर्यटक की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण लगभग 15,000 आबादी वाला कैथी गाँव वाराणसी गाजीपुर राष्ट्रीय राजमार्ग के 28वें किलोमीटर पर है। धर्म ग्रंथों के अनुसार मार्कंडेय ऋषि अमर है। 8 अमर लोगों में मार्कंडेय ऋषि का भी नाम आता है। इनके पिता मार्कंडू ऋषि थे। जब मार्कंडू ऋषि को कोई संतान नहीं हुई तो उन्होंने अपनी पत्नी के साथ भगवान शिव की आराधना की। उनकी तपस्या से प्रकट हुए भगवान शिव ने उनसे पूछा कि वे गुणहीन दीर्घायु पुत्र चाहते हैं या गुणवान 16 वर्ष कालपायु पुत्र। तब मार्कंडू ऋषि ने कहा, तब मार्कंडू ऋषि ने कहा कि उन्हें अल्पायु लेकिन गुड़ी पुत्र चाहिए। भगवान शिव ने उन्हें ये वरदान दे दिया। जब मार्कंडेय ऋषि 16 वर्ष के होने वाले थे तब उन्हें ये बात अपनी माता द्वारा पता चली। अपनी मृत्यु के बारे में जानकर वे विचलित नहीं हुए और शिव भक्ति में लीन हो गए। इस दौरान सप्त ऋषियों की सहायता से ब्रह्मदेव से उनको महामृत्युंजय मंत्र की दीक्षा मिली। इस मंत्र का प्रभाव यह हुआ कि जब यवनराज तय समय पर उनके प्राण हरने आए तो शिव भक्तों में लीन मार्कंडेय को बचाने के लिए स्वयं भगवान शिव प्रकट हो गए और उन्होंने यमराज के वार को बेअसर कर दिया। बालक मार्कंडेय की भक्ति देखकर भगवान शिव ने उन्हें अमर होने का वरदान दिया।
मंदिर से बाहर निकलते हुए अब हम गंगा गोमती तट की ओर बढ़ रहे हैं। यहाँ आसपास आप देख सकते हैं पूजा सामग्री और खिलौने की दुकानें लगी हुई हैं। अब हम पहुंच चुके हैं गंगा गोमती तट के घाट पर। आप यहां का खूबसूरत नज़ारा देख सकते हैं। आपके बाईं तरफ गंगा और गोमती का संगम मिलेगा और दाहिने तरफ गंगा जाती हुई बनारस की ओर है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और कमेंट ज़रूर करें, और अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बेल दबाना ना भूलें। हम आपके लिए ऐसी अच्छी अच्छी वीडियो लाते रहेंगे। नमस्कार, जय हिंद। Bye.